इस खबर में वो सब जानने को मिलेगा आपको जो किसान आंदोलन के दौरान जोधपुर में हुआ। ये नज़ारा जोधपुर में नई सड़क चौराहे का है। किसान नेता और कर्मचारी नेता यहाँ प्रदर्शन करने पहुँचे। शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में किसान नेताओं ने नई सड़क गुमटी पर प्रदर्शन किया। कुछ किसान नेता सड़क पर सो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान नेताओं ने किसानों के बिल को वापस लेने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि तीनों बिल किसानों के घोर विरोधी है। इन बिलों का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाए। वहीं इसी दौरान कर्मचारी नेताओं ने भी प्रदर्शन किया और कहा कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करनी होगी। पुरानी पेंशन योजना के जरिए सरकार जो पैसे काट रही है वो पैसे उद्योगपतियों की जेबों में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान नेताओं और कर्मचारियों ने क्रॉलिंग की। क्रॉलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल पर चलना, और अपना प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि नई सड़क चौराहे पर किस तरह किसान नेता क्रॉलिंग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने प्रदर्शन कर बिल का विरोध किया और साफ कहा कि ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाए। किसान नेताओं के साथ कर्मचारी नेता भी इस प्रदर्शन में उनके साथ शामिल हुए। कर्मचारी नेताओं की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की थी। गौरतलब है कि पिछले कांग्रेस भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू की, जिसका कर्मचारी पिछले लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन में शंभू सिंह मेड़तिया ने क्या कहा, ये सुनिए। आज भारत बंद है किसानों के जो अध्यादेश के खिलाफ पूरे भारत के अंदर किसान संघों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, क्योंकि कर्मचारी महासंघ भी पिछले 10 साल से एनपीएस बंद करने, पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए संघर्षरत है, लेकिन हमारी मांग कुछ भी सुन नहीं रही है। इसलिए राजस्थान में पूरे भारत का कर्मचारी भी इस जोधपुर बंद के आह्वान, राजस्थान बंद के और हिंदुस्तान बंद के आह्वान के अंदर कर्मचारी शामिल हुआ और हम मांग कर रहे हैं कि हमारे भी पुरानी पेंशन बहाल करो और ये ओपीएस सिस्टम बंद करो। ये जो हमारा पैसा है वो बाजार के अंदर पूंजीपतियों के कमियों के अंदर जा रहा है, और ना कि जिससे हमारा पेंशन रूपी जो हमारा बुढ़ापे का सहारा है वो खत्म हो रहा है और टूट रहा है, जिससे आज 10 साल से संघर्ष कर्मचारी आज बंद में आह्वान है और भविष्य के अंदर भी जब जब मूवमेंट होगा हमारा कर्मचारी आगे रहेगा। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस भी काफ़ी अलर्ट दिखी। शहर भर में 800 से ज़्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, और कहीं भी विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही रिजर्व जाब्ता मौके पर पहुंच रहा था। खासतौर से बात करें डीसीपी धर्मेंद्र यादव की, तो धर्मेंद्र यादव पूरे दिन अलर्ट दिखे। एडीसीपी भागचंद, उनके अलावा तमाम एसीपी उनके साथ अलग अलग इलाकों में गश्त करते दिखे। डीसीपी जब नई सड़क चौराहे पर पहुँचे तो इस दौरान उन्होंने रुक कर वहाँ मौजूद रिजर्व जाब्ते से बात की। रिजर्व जाब्ते के पास मौजूद मोबाइल फ़ोनों को डीसीपी ने रखवा दिया। डीसीपी ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाए। वहाँ मौजूद एएसआई ने तमाम जवानों से उनके मोबाइल ले लिए। डीसीपी ने कहा कि यदि किसी को अर्जेंट आवश्यकता हो तो उसे वापस मोबाइल दिए जाए। वहीं डीसीपी ने बीच सड़क कुछ जवानों की क्लास भी ली। डीसीपी ने एक जवान से पूछा कि यहाँ अगर प्रदर्शन करने लोग पहुँच जाए तो वो क्या करेंगे, तो वहीं एक अन्य जवान से पास ही के कंट्रोल रूम के नंबर पूछे। एक अन्य जवान से डीसीपी ने इलाके के सीआई के नंबर पूछे, तो वहीं एक एएसआई की नेम प्लेट नहीं होने पर उनकी क्लास ली, तो एएसआई ने अपनी जेब में मौजूद नेम प्लेट को बाहर निकाला और बताया कि नेम प्लेट गिर रही थी इसलिए उन्होंने जेब में रख दी। वहीं डीसीपी ने कई सवाल भी पास में मौजूद पुलिस के जवानों से पहुँचे। पुलिस के जवानों की तैनाती की बात करें तो पावटा, नई सड़क, जालोरी गेट, बनाड़ सहित शहर के तमाम इलाकों में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र रही। इसके अलावा वज्र को भी तैनात किया गया था। वज्र के अलावा और भी कहीं पुलिस का जाब्ता भी जगह जगह तैनात रहा, खासतौर से रैपिड एक्शन फोर्स, RAC, QRT पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान पूरे दिन मुस्तैद दिखे। डीसीपी भी पूरे दिन राउंड पर रहे, तो वहीं पुलिस कमिश्नर जोस मोहन भी पूरे इलाके में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुनिए डीसीपी धर्मेंद्र यादव को। सर,
ये पुलिस की तरफ से काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट है, लगभग 800 का फोर्स जो है पूरे कमिश्नरेट में डिप्लॉयड है और हर तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जहाँ तक अगर कोई ज़बरदस्ती या कोई असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनके भी पालना कराने की पूरी सख्ती से कोशिश की जाएगी। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ज़बरदस्ती किसी भी संस्थान को बंद कराएगा तो उसको डेफिनेटली हम लोग उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हम लोग नहीं होने देंगे। लगभग 800 का डिप्लॉयमेंट है पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में और जगह जगह पे पिकेट्स लगे हुए हैं, मोबाइल पार्टीज हैं, अधिकारी राउंड पे हैं और बहुत सारी रिजर्व पार्टीज जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे रिजर्व पार्टी भी बनाया गया है। वज्र दल, वाटर कैनन के जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं और लाठी ढाल हेलमेट जैकेट के साथ पुलिस बल तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, हम लोग बिल्कुल ही तैयार हैं। बात एक और प्रदर्शन की करते हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर SFI, C2 और अन्य संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किशन मेघवाल के नेतृत्व में यहां जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने बताया कि ये बिल किसानों का गौर विरोधी है, इससे किसानों को MSP मिलने में परेशानी होगी, निजी कंपनियों को इससे फ़ायदा होगा। MSP नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक हालत और ख़राब होगी तो वहीं पूंजीपति किसानों से और अधिक मुनाफा कमाएंगे। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन देशों ने इस तरह का बिल लागू किया था उन्होंने ऐसे बिल वापस ले लिए क्योंकि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और ख़राब होती गई। इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह कलेक्ट्रेट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर बिल का विरोध किया गया। वहीं मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे उनका आंदोलन जब तक जारी रखेंगे तब तक इस तरह का बिल वापस नहीं लिया जा सके। यहां मौजूद प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी और बिल के विरोध में स्लोगन लिख रखे थे। साफ तौर से इन सब ने कहा कि ये बिल किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, इस तरह का बिल किसानों की आर्थिक हालत को और ख़राब करेगा। किशन मेघवाल ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। अच्छा भाई साहब, आपने पुतला दहन किया है, क्या है आपकी मांगे और क्या किस तरह आपने समर्थन किया है? पूरे देश का किसान सड़कों पर है और इस देश की सरकार है सोई हुई है, सरकार ने तय कर लिया है कि पूरे देश को उद्योगपतियों को बेचना है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। आज जोधपुर के अंदर हमने पूरे देश के किसानों को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ प्रदर्शन किया है। जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसान सभा, C2, ऑयल इंडिया लोअर्स यूनियन, SFI के समस्त साथियों ने यहाँ पर मोदी का पुतला फूंकते हुए सरकार को आगाह किया है कि समय रहते इन काले कानूनों को वापस ले लिया गया तो आने वाले वक्त के अंदर किसान मजदूर मिलकर के ईंट से ईंट बजाते हुए इस सरकार को घुटने टेकने में मजबूर करेगा।